अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग सब? तो ये देखो मौसम कैसा है। मौसम बहुत प्यारा है क्योंकि अब बारिशें आएंगी तो ठंड भी आएगी। तो आज बारिश का मौसम था तो मैंने कहा आज हम आलू तो ये मैंने आलू उबलने धरे ने। अग बहुत मुश्किल नाल बाली सी ते आलू मेरे उबल गए। उस तो बाद हूँ मैं आख्या मैं छिल के ये भी दिखानी हाँ भी छिल सी है या छिल के मैं छिलदी पिया तो मर्चा और प्याज और इसमें मैंने डाली है साबित जो लाल मिर्च होती है ना वो भी ज़्यादा अगर चीज़ें इसमें डालते हैं ना तो इतना इसकी खुशबू अच्छी नहीं आती है आलू की रोटियों की। आलू की रोटियों में थोड़ी चीज़ें डलती है तो फाइनली मैं आलू छील रही हूँ। तो आलू छीलने के बाद तो आलू तो छील ही लाए ने तो हूँ इन्हों हाँ मैं कुटांगी। कुट के तो फिर ये पहले ये निकाल लवानगी तो दूसरी चीज़ा फिर कुटांगी क्योंकि जो दौरी है ना वो मैंने अभी लेनी है वो दूसरी मेरी दौरी जो है वो टूट गई है तो इस वजह तो हूँ मैं चट्टू बच्चे कुट दी हूँ। ते आ मैं कुट लिया ने ते हुण मैं दू ये साबित लाल मिर्च और क्योंकि इन कुटन ते काफ़ी देर लग जाती ते आ दूसरिया मिर्चा ने और तुसी सुनाओ सारे ठीक ठाक है। और 12 रबीउल की आप लोगों सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो फाइनली हमारे जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब और वॉच टाइम हमारा पूरा करेंगे तो हमारा चैनल ऊपर तक आएगा। क्या आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है तो अगर मेरी वीडियो में कोई अच्छी बात है वो भी मुझे कमेंट में बता दो और जो बुरी बातें हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करना है तो वो भी मुझे कमेंट में करके बता दिया करो। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। इतनी मेहनत से जो हम करते हैं तो हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो फाइनली मैंने ये सब चीज़ें तैयार कर ली हैं तो आग बड़ी मुश्किल ना बढ़ती हैगी। अगर ठुल्ली लक्कड़ नहीं होगी तो आग बढ़ती ही नहीं है। इस वजह तो कंडे जो होंगे ने वह होंगे ने बरीक कंडिया की लकड़ी तो वह तो बल्दी ही नहीं है। इस वजह तो चुआतियाँ बना के रखी हुई ने तो वह असी लाने तो उन्होंने फिर अग सही बढ़ जाती। क्योंकि छोटा सा हमारा अभी तो है फैमिली बड़ी फैमिली तो है नहीं। दो बच्चे हैं और एक मैं और एक मेरा बंदा तो चार बच्चे तो अभी रोटियां खाते ही नहीं हैं। इस वजह से फिर मैंने चार रोटियां ही बनाती हूँ और पांचवी जो है वो परिंदों के लिए बनाती हूँ क्योंकि वो भी हमारी फैमिली के जैसे होते हैं। हम उन्हें अगर डालेंगे तो वो भी खाते हैं वरना वो इधर उधर घूमते हैं। इसलिए जब मैं फिर सुबह भी बनाती हूँ रोटी तो एक उनके गाँव के लिए बनाती हूँ और एक शाम भी बनाओ तो एक कावां वास्ते बनानी हूँ। तो मैं अजर प्याले तो लाए हुए कोई नहीं है मैं छत उत्ते ही पानी हाँ क्योंकि छत उत्ते तो कोई होर चीज़ा भी खा सकदियां ने तो अगर प्यालियाँ डालेंगे फिर तो परिंदे ही खाणगे। तो इस वजह तो मैं छोटे छोटे टुकड़े करके तो छत उत्ते पानी हाँ। और अब मेरी बेटी की तबीयत माशाल्लाह बहुत ठीक हो गई है तो हुण अल्लाह का शुक्र है अब तो अभी तो ठीक है। बाद का पता नहीं कि बच्चे जो होते हैं वो होते हैं बहुत शरारती तो कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ ये पंगा ले ही रखते हैं। इस वजह तो बच्चों के तो मगर ही मगर रहना पैंदा कि कभी ये ना कर लवें तो कभी ये ना कर लवें तो ये करते हैं। फिर सानू असी अपने बच्चे पालने तो सानू ये लगता है कि हाँ जी साड़िया ने मावां ने भी सानू इंजी पालिया। मावां का असल कदर का पता ही तब लगता है जब हमारे खुद के बच्चे होते हैं कि हम इतनी मुश्किल से पाल रहे हैं तो उन्होंने भी हमें ऐसे ही पाला है।
तो हमारी तो ना अम्मी है और ना हब्बू है, दोनों ही फौत हो चुके हैं। तो इस वजह से दुख तो बहुत होता है कि जब उनके कदरों का पता चलता है तो वो हमसे रूठ जाते हैं। त्याग मेरी बड़ी औखी बढ़ती पी है, सौखी को नहीं बढ़ती पी है, क्योंकि जितनी आग तेज बलेगी रोटी उतनी जल्दी पकती है। तो आलू के परोठे तो मैंने बनाए हैं, पर बनाए बहुत मुश्किल से थे, क्योंकि जो ठंड की आग होती है वो बड़ी औखी बढ़ती है, इस वजह से उन्हें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी हूँ अस्सू चढ़िया होया तो अस्सू दे विच ना जो लकड़ी होंदी है वो सिन विन हो जाती है, इन्हें सुकिया नहीं रहिंदियां ने। पहले उन्होंने धुप ते पा के सुखाना भी होंदा है कि इन्हां दी उतरेल हट जावे। और जो मेरा छोटा बेटा है वो मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है कि मैं क्या बात करूं। कुछ कुछ बच्चे तो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा भैड़े होते हैं, तो कोई कोई बच्चे चंगे होते हैं। मेरी कुड़ी अच्छी सी लेकिन मेरा मुंडा बहुत मेहनत तंग करता है, इंदी वजह तो मैं डबल मेहनत करनी है। जिस जड़ी मैं वीडियो बनाने होंगी ये सरोन पैना होता, इंदी वजह तो मैं तो डबल डबल मेहनत करनी पड़ती है। ये देखो एक और ये दो तीन चार रोटियां हमारी फाइनली बन गई हैं। तो ये मैं जो परिंदों के लिए बना रही थी वो तीन नीचे हैं और चौथी तवे पर है। तो ये जो मैं कह रही थी ना कि मैं परिंदों के लिए बनाती हूँ, तो ये मैंने डाल दी है परिंदों के लिए, क्योंकि जब हम परिंदों के लिए डालते हैं तो वो भी हमें दुआएं देते हैं, हमें अपने साथ उनको भी डालनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उनको भी पैदा किया है। तो हमारा अपना हक बनता है कि आप उन्होंने भी पाइए। तो ये मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो अब मैं ये छत पर डालूंगी, क्योंकि कैमरा मैन तो मेरा है नहीं स्टैंड, तो इस वजह से ना ये फिर आपको नजर नहीं आई, वो नीचे भी गिर गया दो टुकड़े, फिर मैं फेंक रही हूँ। तो आ साडा जी है वो जेड़ा पैदा हुआ सी बच्चा, हूँ अल्लाह किता है सही हो गया, हूँ बड़ियाँ दौड़ा लाता है। तो ये देखो जो मैंने टुकड़े पाए थे कां खा रहे हैं, ते आ सी मेरिया लाल मरचा, इन्हां दे उत्ते कुछ ना विल सी आ गई सी, ते कुटींदियां नहीं पिया सी, ते मैं आखिया सुकनी पानी ना एक दो दिन पा देवांगी ते फिर ये ना अच्छी नाल हो जावे, कुटांगी ते चंगियां कुटी जावणगियां। ते आ सी लस्सी, आ रोटियां, ते आ साथ दही, दही और लस्सी के साथ आलू के परोठे इतने मज़े के लगते हैं कि क्या बात ही बताएं।